अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, घर भी बने हैं पहाड़ पे और कितने ब्यूटीफुल लग रहा है। वाटरफॉल पे मत जाओ भाई, मत जाओ, हमारी शिफ्ट खत्म हो गई, इनकी शिफ्ट चालू हुई है, मैं इनको मना कर रहा हूँ ऊपर आने में, हम खत्म हो गए, ये भी खत्म हो जाएंगे। बात अलग है, हमारी बात अलग है, ठीक है। आप हटो, आपसे बात नहीं कर रहे हम, फिट लोगों से बात नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? स्मोकिंग किल्स। हाँ तो फिर मत किया करो। नहीं तो नहीं, हम बिना किया मर रहे हैं तो करने वाले को क्या होगा ये बताओ। सूफी इंसान हूँ, साधा इंसान हूँ, कुछ नहीं। हाँ तो फिर बच जाओगे, बस यहाँ तक पहुँच जाना। कुंग फू पांडा देखिए, कुंग फू पांडा वही हाल होगा, वही हाल है अब आपका। ऊपर आने में उसकी फट जाती है, वैसे आता है सीढ़ी पे, इतनी सीढ़ियाँ हैं। जब लौट के तब अजय का बहुत मन कर रहा है, बस वो सीढ़ी से डर रहा है। अजय जा रहे हो? चलो सोच तो रहा हूँ, लेकिन उनको देख के बंद नहीं कर रहा वो अरे अंडर एस्टिमेट कर दिया, अरे 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 अंडर एस्टिमेट कर दिया, अरे लेके कह रहा हूँ वरना ऐसी को अरे अंडर एस्टिमेट हो गए। ऐसे आऊंगा ना भागते हुए। पूर्णा गिरी जा चुके हैं अभी, पहले नीचे से ऊपर आओ, तुम्हारा पूरा निकल जाए तो बता रहा हूँ। अभी बाइक में चाबी लगी थी, अभी ये लोग जा रहे हैं, फिर आते हैं वीडियो बनाते हैं इनकी। छुट्टू इसका भी मन कर रहा है खाने का। भैया इसके लिए भी कुछ है क्या? ये भी ऐसे देख रहा है, दे दो भैया, दे रहे हैं देखो। ओके हाँ तो फिर ठीक है फिर। वो खा भी लिया, उसके गले में चला गया, उसे पता भी नहीं। बस जीव हल्के से ऐसे जीव की, बस खत्म। और ये हमारे लड़के वापस आते हुए, हम इंतज़ार करते हुए इनका बहुत देर से, और इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। और इनके मुंह पे मुस्कुराहट, राहुल भाई सबसे पीछे रेस में, सुधीर सबसे आगे। राहुल भाई तेज आओ, तेज। इनका हल्क कहाँ गया? हल्क कहाँ रह गया? ये हल्क शिमेल हल्क ऐसे बन गया। हम डोंकाना का वाटरफॉल फतेह करके आए हैं और सब मजा आ गया। थकान तो पता नहीं चली, कुछ नहीं हुआ। देखो देखो राहुल भाई आप आइए, आप आपसे हम मिलना चाहते हैं, आपसे हमें इंटरव्यू करना है। एक्सपेक्टेशन तो मेरे, ये देखो अंदर से चिल्ला रहे हैं, देखो रो रहे हैं मुंह उधर करके। क्या पता क्या कह रहे थे? माँ हाँ मैं छिल रहा हूँ, तो मैंने कहा पक्के लग रहा है तुमने जब से बोला। आ जाओ आ जाओ, देखो पेट कैसे कैसे हिल रहा है सांस के साथ साथ। हो गई। ग्रेट सक्सेस। आपको पेड़ कैसे लग रहे हैं? यहाँ की खासियत मेरे को इन पहाड़ों पर लगती है, देखो तो खड़े पेड़ है इस पर और
बहुत सारे पेड़ हैं एक साथ, तो जो ब्यूटी निकल के आती है, एक तो रोड बहुत अच्छा है एक नंबर, प्लस ये पेड़ तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा मैंने देखा नहीं, मजा आ जाता है इस रोड पे। अब ये रोड चलेगा कम से कम जागेश्वर आने से पहले तक, और एक नंबर रोड है, आप भी इसका आनंद लीजिए दोस्तों। पार्ट है अल्मोड़ा का, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो घर भी बने हैं पहाड़ पे, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये अल्मोड़ा का सीन है। यहाँ पे देखो पेंटलून्स भी खुला हुआ है, सिनेमा हॉल भी है, ट्रेंड्स भी खुला हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अभी और अंदर साइड जाएंगे तो शायद मार्केट भी पड़ेगी, हम पिछली बार आए थे तो अंदर से निकल के गए थे यहाँ से, डोमिनोज भी सब खुला हुआ है यहाँ पर अच्छे से। वो देखो सामने का सीन, पूरे घर बने हुए हैं पहाड़ पे, अल्मोड़ा बहुत ब्यूटीफुल है, कोई जवाब नहीं। नीचे देखो स्पोर्ट्स भी चल रहा है नीचे, अगर आप देख सकते हो वीडियो में दिखाता हूँ, देखो स्पोर्ट्स भी है पूरा, वाह वाह, मतलब हर चीज़ है, स्पोर्ट्स भी हो गया और अपना मॉल भी खोल रखे हैं यहाँ पर, पब्लिक के तो मज़े हैं यहाँ पर, और पहाड़ के मज़े अलग। फिलहाल जो ज़मीन पर रहते हैं वो थोड़ा पहाड़ के लिए ज़्यादा तरसते हैं, और जो पहाड़ पर रहते हैं वो थोड़ा वक्त के साथ पक भी जाते हैं, उनको लगता है हमें ज़मीन थोड़ी बेटर है। लेकिन बहुत सारे जो पहाड़ पे रहते हैं वो नहीं चाहते कि ज़मीन वाले उस पहाड़ पे आए रहने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते यहाँ पर ज़्यादा रश हो, ज़्यादा तरीके से एक तरीके से मतलब ख़राब हो माहौल, तो एक तरीके से माहौल अच्छा बना के रखना चाहते हैं, और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी पहाड़ पर ना बने, क्योंकि पब्लिक वैसे ही थोड़ा कम रहती है पहाड़ों पर, और उसमें भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो एक दिक्कत वाली बात है। मैं अल्मोड़ा का कोई भी सीन यहाँ से कट नहीं करूँगा, पूरा आपको सीन दिखाता हूँ अंदर से कि कैसा है अल्मोड़ा, आप खुद देखो। तो वीडियो कट की होगी तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आप लाइव देखो पूरा अच्छे से, पूरा का पूरा कैसा है। यहाँ से नीचे के रास्ते पे जा रहे हैं, और नीचे भी रेस्टोरेंट इस तरीके से बनाया गया ना स्लोपी वे में, कि आप नीचे जाते जाते घर भी बने हुए हैं, नीचे जाते जाते मॉल भी बने हुए, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, वाह यार कंसेप्ट बहुत अच्छा है। और ऊपर साइड जाते रहो, ऊपर भी जाओ नीचे भी आओ आराम से। अब शायद मेन वो वाली मार्केट आने वाली है, बुक स्टोर भी है यहाँ पर, कपड़ों के भी स्टोर खुले हुए हैं अच्छे से, शाही स्पोर्ट्स, हिमालय डेंटल, वाओ। और यहाँ पर बोर्ड लगा है बोलो जुबा केसरी, बोलो जुमा केसरी, आई लव अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा बोलते हैं, अल्मोड़ा बोलते हैं, अल्मोड़ा से मेरे को हैरी पॉटर आया था, विंगार्डियम विंगुएसा पितृदेव संभोषणम, बने ऐसे ऐसे मंत्र हिंदी में तो ऐसे ही थे मेरे को जितना ध्यान है। अब राइडर सब आगे निकल चुके हैं, पीछे हो गया हूँ थोड़ा सा, एक राइडर आगे जा रहा है अजय, देख रहे हो कितना लंबा मार्केट है यार यहाँ पर, बहुत सही यार मजा आ गया देख के। पेट शॉप भी है, मेडिकल्स भी हैं, मतलब सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, आप आराम से रह सकते हो, घर मिल जाए ले लो आंख मीच के। राइडर्स को तो पकड़ लिया है, राहुल भाई आगे जा रहे हैं हमसे, फिलहाल उन पर फोकस ना करते हुए आप मार्केट पे फोकस करो, अच्छा बना है बिल्कुल। अगर यहाँ स्टे करना है कुछ होता तो मैं ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉपिंग करता और घूमता एक्सप्लोर करता पूरा, इन फ्यूचर ज़रूर अगर मौका मिला तो यहाँ रुकूँगा और व्लॉग्स बनाऊँगा। लेकिन अभी हमारा टूर जो है जागेश्वर का है, तो क्योंकि महाशिवरात्रि भी है
तो हम वो मिस नहीं कर सकते, हमें जाना है तो जाना है। एक यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, हमें वो रोड पकड़ना पड़ेगा। अब वो अब तक आया क्यों नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हम आए थे तो आ गया था वो, शायद अब आने वाला है। एक टर्न आएगा राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, अभी तक तो मेरे को देखने को मिला नहीं है। और यहाँ पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, देखो कितना शानदार, साइड में छोटा सा करके बना रखा है, ये बड़ा तो बनाना मुश्किल है, पहाड़ों पर ऐसे बनते हैं छोटे छोटे से, स्पेस प्रॉब्लम। अल्मोड़ा होता है, देखो हिंदी में तो अल्मोड़ा लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ इसलिए अल्मोड़ा ही बोलूंगा। हम है हिंदुस्तानी। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे हाथ पे, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये वाला मार्केट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ऊपर साइड ऐसा लगता है जो फिल्में चल रही हैं। आपने ये देखा होगा, गुंडे हीरो का पीछा कर रहे होते हैं इस तरीके से, मतलब एक सीन क्रिएट होता है ना, पीछे भागना रेसिंग होना, तो वही लगता है यहाँ पे मेरे को, वही फील आता है। और आपको भी देख के वही वाला फील आ रहा होगा इस वक्त। आरएस ने तो आग लगा दी यहाँ पर, सब देख रहे हैं। पीछे नहीं कर रहे हैं, इन्हें छोड़ देते हैं। मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ जाओ मुड़ गए, बच गए। हमें शायद ऊपर जाना था, और नहीं बैग रखा, बैग कुत्ते पीछे पड़ गए आरएस के, कुत्ते ने बोला भागो यहाँ से, बहुत शोर मचा रहे हो। मुझे लगता है मेरे को यहाँ रुकने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फिर, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, जो हल्ला काट रहे हैं उनको कम से कम भगाते रहे। देखो अब ये अल्मोड़ा का रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, अल्मोड़ा यहाँ से अब जागेश्वर के लिए जुड़ जाएगा। तो अभी दिन छुप चुका है, बिल्कुल रात होने को आ रही है, मतलब अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। और सबने हजार्ड तो हम कर ही लिए सारी बाइकों के, इसके भी ऑन हो गए आरएस के, फिलहाल मेरे मिरर पे लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, मिरर हजार्ड है और हैजार्ड ऑन कर लिए हैं, स्लोली स्लोली बाइक चला रहे हैं और साथ में है अभी, तो ये ज़्यादा बेटर मैटर करता है कि आप साथ साथ चलो ऐसे केस में, क्योंकि जंगल होता है और ऐसे केस में कुछ गलत होने का सीन बन सकता है, तो साथ साथ रहना ज़रूरी है। और हैजार्ड ऑन रखो, फ़ोन चार्ज रहे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस टाइम। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह जाती है और आप फंस जाते हो
तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है फिर, तो ये नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल रेडी रहो हर चीज़ को लेके, और कोशिश करो सोलो राइड जब आप करो, अभी तो ग्रुप राइड करोगे तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मिलजुल के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब सोलो राइड करते हो आप उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, क्योंकि आपको अकेले फेस करना उस टाइम पे, अकेले आप कहीं जाओगे तो अकेले फेस करोगे फिर, अगर कोई हेल्प कर दे वो बात अलग है, लेकिन आपको खुद टैकल करना है हर चीज़ को, तो उस टाइम पे आप पहले प्रिपरेशन अच्छे से कर लो फिर ही जाओ। और फिलहाल जागेश्वर थोड़ा सा ही आगे रह गया है हमसे, लगभग 30 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर फिलहाल इतना ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से कवर कर लेंगे थोड़ी देर में। और जागेश्वर अभी महाशिवरात्रि आ रही है, बहुत क्लोज है, तो उसके अवसर पे मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें ऐड कर दूंगा ये वाला पार्ट। और होपफुली मेरे को लगता है कि आपको चैनल पसंद आ रहा है कुछ लोगों को, और जिनको नहीं आ रहा उनका कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कुछ तो रहते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, और कुछ होते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, तो चैनल उठता चला जाता है। तो देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि मिलियंस पार हो जाएं, पैसा आना शुरू हो जाए, मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद बस ये है कि एक राइडिंग की कम्युनिटी अच्छी बने, ठीक है, और आप एक्सप्लोर कर सको, आप बाहर जाओ, एक अपने रेगुलर रूटीन से निकलो, बस मैं ये चाहता हूँ। आप डेली ऑफिस जा रहे हो, डेली वही रूटीन जी रहे हो, एक हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे हो, कोई रोल कर रहा है, लेकिन आप उससे कभी बाहर निकल नहीं पाते हो। तो मेरा मकसद बस ये है कि आप उस रोल से निकलो, अपने लिए टाइम निकालो और बाहर निकल के देखो दुनिया को, और जब आप देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों को समझोगे, तब आपको और मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, वरना डेली रूटीन तो सबका चल रहा है। ज़िंदगी काटना और जीने का फ़र्क होता है ना, और 90% लोग ये है कि काट रहे हैं ज़िंदगी को, काटना नहीं है, मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से ज़िंदगी काटते हुए देखा है सबको, काटना नहीं है, आप ज़िंदगी को एंजॉय भी करो। और ये चीज़ ये है कि जैसे मैं, पापा आर्मी में थे, तो पापा का तो ये था कि पूरा इंडिया घूमे हुए हैं, हर जगह गए हुए हैं, तो हम लोग भी पोस्टिंग होते थे, जाते रहते थे, अलग अलग कल्चर में बैठे हैं, कभी हमारे अंदर ऐसी आदतें नहीं है कि रिलीजन को लेके, या फिर कोई ऐसे कोई भेदभाव वाली बातें, या अलग रहना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आर्मी वालों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है, हमें इक्वलिटी सिखाई जाती है, ठीक है, कि कोई अलग नहीं है, सब ह्यूमंस हैं, और हम इंडिया में रह रहे हैं इस वक्त, और हमें एक दूसरे का साथ देना है। तो इंडियन आर्मी में जितने भी बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर ऐसी सोचें नहीं होती हैं, लेकिन जब आप सिविल एरिया में आ जाते हो, वहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को ये सब करना पड़ जाता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, है ना, रिलीजन पॉलिटिक्स होती है, ये होता है, ये सब सिविल एरिया में ज़्यादा होता है। तो अब आप सिविल एरिया से हो, आप ये सब नहीं करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब सिविलियन ऐसे होते हैं, कल आर्मी से हम भी निकले, उसके बाद अब हम भी सिविलियंस के साथ रह रहे हैं और सब एक साथ रहते हैं, तो उनको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है, और कभी हम होने भी नहीं देते हैं, सब लोग फैमिली के साथ रहते, फैमिली की तरह रहते हैं। राइडिंग क्लब में भी ऐसे ही है कि हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं A to Z, कोई ऐसा नहीं है मेम्बर इस वक्त कि किसी से कोई जेलस हो या किसी से हेट हो, किसी से भी नहीं है, सब हम लोग एक हैं, कोई धर्म वर्म का कुछ नहीं है। मैं जागेश्वर जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर शिव जी का पूरा वो बने हुए हैं, शिवलिंग्स बने हुए हैं पूरे, ठीक है। मैं इन चीज़ों को इस वजह से कर पाता हूँ क्योंकि मैंने समझ पैदा की है, मेरे को पता है शिवलिंग क्या है, मेरे को ये पता है कि शिव जी कैसे उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन पूरा प्रोसेस पूरा किया था, तो हर चीज़ की समझ जरूरी है। अगर मैं बचपन से, मेरे को रिजिट एक तरीके से रिजिटनेस पैदा कर देते, जैसे कि कर दिया जाता है मोस्टली आप मुस्लिम परिवारों में देखेंगे तो रिजिटनेस बहुत ज़्यादा पैदा कर दी जाती है, और एक हिंदू परिवार में देखेंगे तो वो भी एक रिजिटनेस बच्चों के अंदर पैदा कर देते हैं, तो वो रिजिटनेस वो सिखाना ही बहुत गलत होता है। तो ऐसा नहीं है, आप बच्चे को पहले
चॉइस दो, वो खुद देखने की खुद की आंखों से देखे दुनिया को, फिर वो सिलेक्शन करे, ना कि आप उसको सिखाओ पहले कि ये आपको इस, आपको मुस्लिम ही बन के रहना है, आपको ये बन के रहना है। बन के क्यों रहना है आपको? कुछ बन के रहने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे पैदा हुए थे आप वैसे ही पूरे बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको कुछ नहीं बनना है, कोई उसमें नहीं है। आप, आपका सर अगर शिवलिंग के आगे झुकता है आपका, आप मेडिटेशन में जाते हो तो वहाँ करो। अगर आपको नमाज के थ्रू मेडिटेशन करना है, नमाज के थ्रू करो, ठीक है। आपको गौतम बुद्ध की तरह मेडिटेशन करना है तो वैसे करो। सबका एम वही है, ठीक है। कुछ कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस समझ की देरी है, आपको एक्सेप्ट करने की देरी है। लेकिन ईगो रहता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको विजिटनेस इतनी सिखा दी गई है। मौलाना है, पंडित है, आपको इतना विजिट कर देते हैं आपके दिमाग को कि आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। तो एक्सेप्ट करो, एक साथ रहो प्यार मोहब्बत से, और राइडिंग करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से। तो वो नज़रिया मैं आपको देना चाहता हूँ अपने चैनल पर। तो अभी फ़िलहाल जागेश्वर चलते हैं, फिलहाल तो रात हो चुकी है। रात में भी राइड करने में मज़ा अलग है।